सीकर की घटना दिल दहलाने वाली है और सीकर की घटना एक तरीके से राजस्थान में जंगल राज को इंगित करती है। डीजीपी का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है और जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, सीएलसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट राजस्थान का कोचिंग संस्थान है और उसके आसपास जिस तरह सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे और अपराधी आते हैं और खुलेआम गोलियां बरसाते हैं 60 से ज्यादा और वो अपना चेहरा भी दिखाते हैं, हाथ में हथियार ले रहा था और ये बताते हैं कि हमें किसी का डर नहीं रहता। राजस्थान में अपराधियों का खौफ है, पुलिस से हमने डरते, कानून का भय नहीं। ये सीकर की घटना इसमें इंगित करती है। अशोक गहलोत को खुद को मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। सारी पुलिस को डीजीपी ने और सीएम ने राहुल गांधी की मिजाज कुर्सी में लगा दिया। प्रदेश की किसी को चिंता नहीं। इसी सीकर से एक बालक का पहले अपहरण होता है, स्कूल मालिक के बच्चे का, पूरा दिन लगता है उन बालों को वापिस माफिया लेके आते हैं। कोर्ट परिसर के अंदर गोलियां चलना, कोर्ट के बाहर नागौर के अंदर भी जो गैंगवार की घटना हुई पुलिस की मौजूदगी में, राजस्थान जंगल राज बन गया। और ये जो जंगल राज बना इसमें गहलोत वसुंधरा का गठबंधन है और अपराधियों को जिस तरह राजनेता संरक्षण दे रहे हैं और उससे दिनों दिन अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है। मैं इस पूरे मामले के अंदर इसका जो भी मामला है, जिस तरह दो लोगों की जान इस मामले के अंदर गई सीकरी घटना के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी चाहे कोई भी हो तुरंत उनको गिरफ्तार करें और ऐसा संदेश दें कि दोबारा अपराधों की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये राजस्थान अपराध मुक्त कैसे हो, भय मुक्त कैसे हो, इसके लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, बड़े बड़े आंदोलन कर रही है और सीकर की घटना के बाद प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि अब कहीं कोई सुरक्षित नहीं, कि कुछ भी करके और खुलेआम चले जाओ, किसी तरह का कोई डर खौफ अपराधियों ने, अपराधी बेखौफ है और ऐसा लग रहा है कि इसमें बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।